विरोध के बाद दीपिका पादुकोण ने सुधारी ये गलती, रातों रात छपाक में किया ऐसा बदलाव। नमस्कार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद दीपिका पादुकोण उनकी फिल्म छपाक विवादों में आ गई है। इसी बीच छपाक को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। बताया गया है कि असली घटना पर आधारित इस फिल्म में आरोपी का नाम है धर्म, दोनों बदल गया है। आरोपी नदीम का नाम इस फिल्म में राजेश कर दिया गया। ये बात सामने आते ही दीपिका पादुकोण और मेकर्स को मीडिया पर जमकर लताड़ मिली। ट्विटर पर राजेश और नदीम नाम ट्रेड करने लगा, जिसके बाद अब खबरें आ रही कि ये गलती सुधार ली गई है। दरअसल जब छपाक में आरोपी का नाम और धर्म बदलने की बात सामने आई तो जबरदस्त विरोध के बीच राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट पर लिखा, ईशकरण दीपिका पादुकोण प्रोड्यूसर के लिए एक लीगल नोटिस तैयार करें, और अगर उन्होंने वाकई आरोपी नाम बदल कर हिंदू कर किया है जो असली जिंदगी में मुस्लिम है, ये मानहानि। इस पोस्ट की आखिर में उन्होंने ईशकरण के ट्विटर प्रोफेशन का लिंक भी किया था, जिसके बाद ईशकरण ने ट्वीट करके नाम बदलने के आरोप को सही बताया था और कहा था कि वो अगले ही दिन फिल्म के मेकर्स को नोटिस भेजने को तैयार हैं। वहीं आज ईशकरण ने ट्वीट करके बताया कि मेकर्स ने रातों रात से गलती ठीक कर ली, ईशकरण ने किया ऐसा ट्वीट। वहीं कुछ ही मिनटों ईशकरण ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, मैंने सुना कि दीपिका पादुकोण की फिल्म में आरोपी का नाम फौरन डब कर दिया। कुछ लिबरल लोगों का दावा है कि उन्होंने फिल्म देख ली है, इसमें आरोपी का नाम वही है जो रियल लाइफ में था। जो भी हो, अच्छा है कि उन्हें सबक मिल गया, अब और बेइज्जती नहीं, हम एकता में हमेशा जीतते हैं। यहाँ एक तरफ सोशल मीडिया पर नाम बदलने से लेकर गलती सुधारने तक की खबरें आ गई, वहीं दूसरी तरफ ना तो दीपिका पादुकोण का इस पर कोई बयान आया और ना ही मेकर्स ने कोई स्टेटमेंट जारी किया। बता दें कि छपाक कल यानी 10 जनवरी को रिलीज होनी है। इस फिल्म को पहले ही दिन के JNU प्रोटेस्ट शामिल होने के कारण एक वर्ग से विरोध का सामना करना पड़ रहा था।